एक सीटी बजती है और जादू हो जाता है। ये वाला नशा करना है। जरा अपनी जिंदगी पर नजर डाल और सोच तेरे साथ ऐसा क्या हुआ। वो मुझे ना डायरेक्टर तलाल से मिलना है। थर्ड क्लास डायरेक्टर, कमर्शियल शूट का बेताज बादशाह असदुल हक कानी। सर मैं वो एक्टर, डायरेक्टर साहब ने आपको बताया होगा। मैं बनाऊंगा तुझे स्टार। जी सर। मैं बनाऊंगा, तू बनेगा स्टार। मैं बनाऊंगा तुझे स्टार, तुझे स्टार, तुझे स्टार। वैसे मालिक आपने सही कहा था, जब बड़े आदमी बन जाएंगे तो मुझे अपने साथ रखेंगे। मैं तो कह रहा था ऐसे ही कह रहे हैं, लेकिन यार आपने करके दिखाया। और वैसे चीज़ें जो है ना, साथ ही अच्छी लगती हैं, अकेले मज़ा नहीं देती। अब फ्रेंच फ्राइज की मिसाल ले लें, अकेले आते हैं तो इतने अच्छे नहीं लगते, लेकिन अगर साथ में केचप आ जाए तो, और तो और बर्गर आ जाए तो मज़ा आ जाता है, और तो फिर सैंडविच आ जाए तो क्या ही बात है। वैसे मालिक, सैंडविच से याद आया, स्लैमविच आ गया है, खाएं क्या? उस दिन आपने खिलाया था, बड़ा मज़ा आया था। साहब आ गए, रश बहुत है। क्या हुआ है पता करो। भाई हुआ हाँ। क्या है आगे? यार किसी का एक्सीडेंट हुआ है, कोई औरत थी पागल सी, लोगों को लानते वानते देती थी, कोई गाड़ी उड़ा के चली गई उसको। अच्छा एक काम करो, तुम गाड़ी मुझे दे दो, तुम घर जाओ। मर गई वो पागल औरत, तो मर गई वो औरत जिसने मेरी जिंदगी बदल दी थी, उसी से मुझे कर्ज लगा था। औरत गई तो मतलब कर्ज भी खत्म, लेकिन अब मुझे उस कर्ज की क्या जरूरत है। मैं एक्टर बनना चाहता था, बन गया, हाँ अब मुझे उस कर्ज की क्या जरूरत। तो हमारे साथ मौजूद थे मारूफ अदाकार सकलेन अहमद, जिन्होंने कम टाइम में इतना नाम बना लिया। थैंक यू फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी, इट वाज अ प्लेजर बीइंग हियर। हेलो मिस्टर मैजिशियन। तुम कौन हो और मेरे घर में कैसे घुसे? घुस कर फटने की तो अपनी पुरानी आदत है। मेरा नाम सकलेन है। अबे के नादरा के ऑफिस में आया हुआ है क्या? नाम हमें पता है, आगे बोल। भाई मैं एक्टर बनने आया था शहर में, एक्टर बन गया, बहुत सारे पैसे आ गए मेरे पास। एक महीने में इतना फेमस एक्टर,
अबे जब तू यहाँ पे आया था ना, तेरे पास तो मकान तक भी नहीं था। एक्टर लुक तो सिर्फ ऑन सेट बेस बदलता है, तू तो ऑफ सेट भी बेस बदलता है। ये क्या माजरा है? कोई काला जादू वगैरह का चक्कर है तो बता। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर उस औरत ने मुझे बद्दुआ दी थी। तेरा मतलब है दुआ लगी? नहीं, बद्दुआ। मैंने उस औरत के साथ बदतमीजी की थी। उस औरत ने मुझे बद्दुआ दी कि मैं जिसके साथ बदतमीजी करूंगा मैं वैसा हो जाऊंगा। शुरू शुरू में तो ये अजाब लगता था, लेकिन बाद में मैंने इसको अपने एडवांटेज में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। कहाँ मिलेगी ये औरत? मर गई है वो। कब मारा तूने उसे? मैंने नहीं मारा उसे। अरे ताजमहल के मजदूरों के हाथ इसलिए काट दिए थे कि दोबारा जैसी खूबसूरत चीज ना बना सकें, और तूने उस औरत को इसलिए मारा कि वो फिर किसी को बदहवा ना दे सके जिससे तेरी जिंदगी बदल गई। मैंने आपसे कहा मैंने नहीं मारा उसे। तो वो मरी कैसे? रोड एक्सीडेंट से। अबे फिल्म चल रही है क्या? नहीं साहब, वेब सीरीज है। तो उस वक्त तू कहां था? मैं उसी रास्ते से जा रहा था। मार दे, हमारे किसी काम का नहीं अब। ओके बॉस। भाई एक मिनट, मेरे पास एक ऑफर है। क्या ऑफर है? अगर वो औरत वापस आ जाए और आपको बद्दुआ दे दे और आप भी वैसी हो जाओ तो। औरत तो मर गई है ना, वापस कैसे आएगी? मेरे पास ये ताकत है कि मैं जिंदा लोगों के साथ बदतमीजी करूं तो मैं वैसा हो जाता हूं। अगर मैं उस औरत के साथ बदतमीजी करूं, उसकी लाश के साथ बदतमीजी करूं और मैं वैसा हो जाऊं। पर ये कैसे मुमकिन है? मैं उस औरत के साथ बदतमीजी करके उस जैसा बन जाऊंगा और आपको बद्दुआ दे दूंगा और आपके पास भी वो ताकत आ जाएगी। सोचे अगर मैं उस औरत जैसा हो गया तो मेरी बद्दुआ से आपके पास भी ये ताकत आ जाएगी। देखें, आप मुझे वैसे भी मारने लगे, एक चांस मुझे दे दें, एक चांस। चल जा, दिया एक चांस। जल्दी कर। अबे इन्हें समझ क्यों नहीं आ रही है? अगर मैंने एक मरी हुई औरत के साथ बदतमीजी की तो मैं भी तो मर जाऊंगा। क्या करूं क्या करूं? साकलेन भाई, उठ जाना। साकलेन भाई,
मैं कहाँ हूँ? मेरे घर के अंदर है गलो गांडो, साले तीन दिन से अंदर इधर सोता पड़ा हुआ है, ना खाने को उठता है ना आगने को उठता है। तू आदमी है क्या? तेरे को मना किया था नशे को हाथ नहीं लगाना मेरे। लेकिन वो औरत बद्दुआ, कुछ लोग मेरे पीछे भाग रहे थे, मेरा स्टारडम। अबे कौन सी औरत, कौन सा बद्दुआ, कौन से लोग, कौन सा डोनाल्ड ट्रंप, तू पागल वागल तो नहीं हो गया? मैं तो समझा तू मर गया साले। अभी अगर कोई पुलिस को कंप्लेन कर देता तेरा कि आपके घर के अंदर एक सरी हुई लाश पड़ी हुई है, तो पुलिस वाले तो मेरे को तो उठा के ले जाते ना। चलो भाई अभी यहाँ से उठो, अपना बोरिया बिस्तर उठाओ और निकलो। नहीं सलीम भाई, ऐसा नहीं करें, मैं कहाँ जाऊँगा, मेरे पास कोई घर नहीं है। कोई घर नहीं है तो तेरे को मना किया था जब नशे को हाथ नहीं लगाना? आइंदा नहीं लगाऊंगा, मेरा वादा है आपसे, कसम से नहीं लगाऊंगा हाथ। वादा करता है? वो वादा है मेरा। आइंदा मेरे नशे को हाथ लगाए तो सारा नशा उठा के ना तेरे मुंह में ठूस दूंगा, समझा? जी 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 सलीम भाई जी। और हाँ, चूतिया बनने का नहीं। सलीम भाई ने मौका दे दिया था और जिंदगी ने भी। मैं वही का वही हूं, एक स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट। जिंदगी में बहुत कुछ देखा है और बहुत कुछ देखना है, लेकिन अब मौका मिला है तो मजीद स्ट्रगल करूंगा और अपने आप को फिर ऐसे मुकाम पर लाऊंगा कि दुनिया याद रखेगी। अब सीधा रास्ता चुनूंगा, मेहनत करूंगा, बल्कि बहुत ज्यादा मेहनत करूंगा, और कोई शॉर्टकट नहीं, बिल्कुल भी कोई शॉर्टकट नहीं। अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा, दे दे। चल तेरी माँ की आंख,